हेलो दोस्तों। तो आज मैं और मेरी फैमिली काफी सालों बाद जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जो कि जम्मू के अंदर है। तो आज मैं आपको पूरी अपनी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोशिश करूंगा आपको वहां के दर्शन कराऊं, वहां का व्यू, वहां का रास्ता, जितनी चीजें हो सकती है कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो मिलते हैं कटरा में। बोलो जय जय माता माता दी। दी। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर। अभी हुए हैं 8:15 और हमारी ट्रेन चलेगी 8:45 पर। ट्रेन बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट ने पहली बार हमारे लिए एक सुविधा लॉन्च की है। स्लीपर टिकट में आपको थर्ड एसी सीट अलाउ किया गया है, थर्ड एसी कोच। ये आप देख सकते हैं एकदम प्रीमियम क्वालिटी हो और काफी अच्छी ट्रेन है। तो अब मिलते हैं डायरेक्टली कटरा में। जय माता दी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं सामने जो पहाड़ियां हैं, यही पहाड़ियां माता वैष्णो देवी के भवन जाती है। अब कुछ ही देर में हम अपनी यहां से यात्रा स्टार्ट करेंगे। जय माता दी। तो दोस्तों ये एक नज़ारा है कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर का। यहां से आप देख सकते हैं सामने ऑटो और कैब्स अवेलेबल हैं जो आपको यात्रा स्टार्ट करने के पॉइंट पर छोड़ सकते हैं। आप चाहते हैं तो डायरेक्टली यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक रूम लेकर अपना सामान रखकर नहा धोकर भी जा सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों अब हम अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी भवन के लिए, जिसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर यात्रा पर्ची काउंटर पर आकर अपने नाम और अपनी लोकेशन बताकर हमें पर्ची कटवानी होगी, फिर यहाँ से हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। पर्ची का कोई शुल्क नहीं होता, ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर जस्ट अपना नाम बताना है, फिर हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों अब हमने कटवा ली है यात्रा पर्ची माता वैष्णो देवी की और यहाँ से हम अपनी यात्रा चढ़ाई दर्शन माता वैष्णो देवी भवन के लिए शुरू करनी है और देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत कठिनाइयों भरा भी है, पर माता का नाम लेकर चढ़ते चले जाएंगे। मिलते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों चढ़ाई स्टार्ट करने के कुछ ही किलोमीटर बाद आता है ये बाणगंगा। बाणगंगा का पानी बहुत ही ठंडा और बहुत ही साफ़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें कुछ लोग नहाते हैं, कुछ लोग अपने हाथ पैर धोकर अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पानी बहुत साफ़ और बहुत सुंदर है। आप भी अगर वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करें तो एक बार इस बाणगंगा के पानी में ज़रूर नहाएं। जय माता दी। अभी आ चुके हैं हम करीब 3 किलोमीटर और हालत हो गई 3 किलोमीटर में खराब। ये आ रहे हैं हमारे मम्मी, सॉरी दादी और पापा, जो कि लगता नहीं है ये आज की डेट में ऊपर पहुंच पाएंगे। चलिए मिलते हैं आगे। तो दोस्तों बाणगंगा पार करने के बाद दूसरा स्थान आता है चरण पादुका मंदिर। ये चरण पादुका मंदिर बहुत ही अहम भूमिका है इसकी। यहाँ पे माता रानी के चरण स्थापित हैं, तो जब भी यात्रा करें चरण पादुका पे माथा जरूर टेकें। जय माता दी।
तो दोस्तों अब हमने लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं और आधा रास्ता तय करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के साथ साथ उनकी गहराई। अब यहाँ से आधा रास्ता और बचा है। जय माता दी। तो काफ़ी घंटों की लंबी चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी के भवन। अब यहां अपना सारा सामान एक लॉकर में रख कर हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी। तो दोस्तों अब हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए हैं और उनके दर्शन के बाद हमें जाना होगा भैरव बाबा के मंदिर, जो वैष्णो देवी की भवन से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए हमने ट्रॉली का सहारा लिया है। इस ट्रॉली में आप बैठकर सिर्फ 100 रुपीज़ में आप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं और वहां से दर्शन करके इसी ट्रॉली से उसी सेम कॉस्ट में वापस आ सकते हैं। दोस्तों हमने माता वैष्णो देवी के बाद भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए हैं और हम दर्शन करके वापस नीचे उसी ट्रॉली से भवन की तरफ जा रहे हैं और भवन से अब हम सीधा वापस नीचे अपनी चढ़ाई को धीरे धीरे उतरेंगे और एक रात रुककर हम अपने वापसी घर की तैयारी करेंगे। जय माता दी। जय माता दी। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर वैष्णो देवी की यात्रा खत्म होती है। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर। अभी दोपहर के 3 बजे हैं और यहाँ पे हमारी आज रात की 8 बजे की है ट्रेन न्यू दिल्ली के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे जो पहाड़ियाँ हैं, यही रास्ता है जो माता वैष्णो देवी के भवन जाता है और भवन जाने के बाद उससे ऊपर की पहाड़ी पे एक रास्ता आता है जो भैरव बाबा की घाटी पे जाता है। तो ये दोनों ही यात्रा, पूरी यात्रा तय करने में दोनों मंदिरों की नॉर्मल 1.5 से 2 दिन का समय लगता है और यात्रा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी यात्रा है। थोड़ा कष्ट जरूर होता है पर अगर आपने माता के दर्शन कर लिए तो आपकी ज़िंदगी में सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो थोड़ा इसको लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।